नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज बनाएंगे चाउमीन। चाउमीन की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके की रेसिपी आपको रोज़ाना मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक भगोनी में पानी बॉयल होने रखा है, और पानी जैसे ही हमारा बॉयल हो गया तो उसके बाद हमने ये जो नूडल्स हैं इनको तोड़ के और इसमें डाल दिया। हमें ज़्यादा छोटा छोटा नहीं करना है, बस हमने केवल बीच से तोड़ा है ताकि भगोनी में आ जाएं। बस उसके बाद हमने आधा चम्मच नमक डाला है और एक छोटी चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है ताकि हमारे नूडल्स जो है चिपके ना। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो है अच्छे से बॉयल कर लेना है। बॉयल हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि गल गए हैं या नहीं गल गए हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, हमको 80% गलाना है केवल। और तब तक इधर हमने सोयाबीन की बड़ी को भिगो दिया है, और इधर नूडल्स जो हैं हमारे वो जितना हमें चाहिए उनको गलाना, जितना गलाना है हमको उतना वो गल चुके हैं, पक चुके हैं। तो यहाँ पे हमें इनको जो है इस तरीके से नीचे एक बर्तन के ऊपर हमें जो छलनी होती है, स्ट्रेनर जिसको बोलते हैं, वो रखना है और उसमें पलट देना है ताकि पानी जो है वो ड्रेन हो जाए नीचे। और उसके बाद फिर हमें इन पे अच्छा पानी डाल देना है, साफ़ पानी डाल देना है ताकि हमारे नूडल्स चिपके नहीं। और अच्छे से इनको खूब धुल लेना है और इनको एक थाली में फैला देना है हवा में, थोड़ा सा पंखे के नीचे। और यहाँ पे मैंने एक प्याज को चॉप कर लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च को चॉप कर लिया है, और एक शिमला मिर्च को चॉप कर लिया है, और ये पत्ता गोभी को चॉप कर लिया है, और 2 से 3 कली लहसुन की चॉप कर ली है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन कर दिया है और कढ़ाई में 1 चम्मच हमने ऑयल डाला, और सबसे पहले हम जो हमने सोयाबीन की बड़ी को भिगोया था उनको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बस हल्का सा फ्राई करना है। तो हल्का सा फ्राई हो चुकी हैं, हम उनको अलग ट्रांसफ़र कर लेंगे, निकाल लेंगे, और फिर से हम वापस कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले हमने जो लहसुन की कली चॉप करके रखी हुई थी वो डाल दी, और उसके बाद हम प्याज डाल देंगे। प्याज जो हमने चॉप करके रखा हुआ था वो डाल दिया, और जो अब हरी मिर्च चॉप करके रखी हुई थी वो भी डाल दी। शिमला मिर्च हमें अभी नहीं डालना है, बाद में डालना है, क्योंकि हमें बहुत शिमला मिर्च को गलाना नहीं है। और पत्ता गोभी भी डाल दी, और सोयाबीन की बड़ी को भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद अब हम ऐड करेंगे इसमें सॉस वगैरह जो हमें डालना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे विनेगर को ऐड किया है, और उसके बाद यहाँ पे हम सोया सॉस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने सोया सॉस को ऐड कर दिया, अब हम यहाँ पे टोमेटो सॉस ऐड करेंगे। तो ये देखिए टोमेटो सॉस भी हमारी ऐड हो गई है। अब हमें थोड़ा सा चिली सॉस को भी ऐड कर देना है, थोड़ा सा हमने चिली सॉस को भी ऐड कर दिया, और सबको अच्छे से चलाना है। और थोड़ा सा नमक का यूज़ करना है, नमक हमें उसी हिसाब से यूज़ करना है क्योंकि हमने नूडल्स में भी डाला हुआ था। तो यहाँ पे सभी चीज़ को हमने ऐड कर दिया है। उसके बाद अब हम जो हमारे ये हमने नूडल्स जो रखे हुए हैं वो भी हमने इसमें डाल दिए, और इनको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है, चला देना है। आप जिस तरीके से चला पाएँ, तो देखिए अच्छे से मिक्स हो चुके हैं हमारे नूडल्स जो हैं, और बन के हमारी चाउमीन रेडी हो चुकी हैं। हम इनको अब ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए रेस्टोरेंट वाले इसी स्टाइल में रखते हैं, तो मैंने भी सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी चाउमीन रेडी हो गई है। और वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दें। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ। इसी तरीके की रोज़ाना रेसिपी आपको, एक रेसिपी रोज़ाना मैं शेयर करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।